मुझे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और सब साथियों के कारण, पूरी टीम के कारण जो विजय हासिल हुई है, कामयाबी हासिल हुई है। 18 दिन में पार्टी ने टिकट भी दे दी और चुनाव भी लड़ लिए और जीत भी हासिल कर ली। इससे बड़ी हमारे लिए कोई और नई बात नहीं हो सकती। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? जीत का श्रेय विशेष तौर से जो टीम मेरे साथ खड़ी है, सिर्फ ये, और जनता जनार्दन। गांव गांव में सभी गांव के साथियों ने, महिलाओं ने भी, छोटे छोटे बच्चों ने भी इतना उत्साह हमारा बढ़ाया, इतने हमारी हिम्मत बढ़ाई, और चुनाव को सबने अपने हाथ में ले लिया। और मैं पूरी जनता जनार्दन को इस चुनाव की जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। मुद्दे आपने चुनावी जो मुद्दे लिए थे जी, आपको लगता है कि अब तो सरकार होंगे? बिल्कुल, नगर के हो चाहे गांव के हो, आईएमटी का हो चाहे मुख्यालय को, हमने ठोक के ना आश्वासन दिया है और उनको हम धरातल पर उतारेंगे। कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत, आखिर क्यों? देखिए कि भारतीय जनता पार्टी आम लोगों को सहूलियत और सुविधा दी है, बिना पर्ची बिना करती बेरोजगार बच्चों को, गरीब से गरीब बच्चों को रोजगार दिया है, गरीब लोगों की भलाई के लिए भी इतने काम किए हैं जिनकी हम सोच भी नहीं सकते। ये सारा, इसमें कोई ठेकेदार नहीं है, कोई वैसे बड़े बड़े पूंजीपति नहीं है, एक साधारण कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, जिनकी मेहनत के कारण पार्टी ने सबका हित देखा है और सबको देखा है कि गरीब से गरीब का भी कल्याण कैसे हो। सिर्फ उसी का ही मेन जो मूल मंत्र था, जो साइलेंट वोट बेशक से हो, से आगे निकल के नहीं आया, लेकिन उसकी आत्मा में ये आवाज़ थी, फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। रामविलास जी नाराज थे आप? हाँ, क्या खुश हो गए? रामविलास जी नाराज थे, ना खुश है ना खुश रहेगा। उन्होंने जितनी मालिक बगावत करनी थी खूब करी, और इन कार्यकर्ताओं के कारण मैं जीता हूँ। जिस आदमी के 30 साल तक लगातार खून पसीना बहाया, लोगों ने गांव मेरे को क्या क्या कहा, उन बातों को भी नहीं देखा। 3 बार लगातार हारने के बाद में दुनिया छोड़ के चली गई, मैंने नहीं छोड़ा। मैं पार्टी से टिकट खोज के नहीं लाया, पार्टी ने मुझे टिकट दी थी। मुझे खुशी होती मेरी पीठ पर हाथ रखते और एक मार्गदर्शक के रूप में इस चुनाव को लेकर हमें आदेश देते। रामविलास जी के आज भी उतना ही स्वागत रहता और पहले जितना था उतना भी रहता, लेकिन मुझे कहने में कोई शक नहीं है, जितनी कुराफात, जितनी चुनाव को डिमेज करने की जो कोशिश की, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। इतना सीनियर पार्टी का कहा, ये झंडा और ये डंडा मैंने बदला नहीं, ये झंडा शरीर के लिपट के जाएगा, कहाँ है वो बात? कहने की बात कुछ है, करने की बात कुछ है। ऐसे लोगों से पार्टी को भी सबक लेना चाहिए और कार्यकर्ताओं को भी लेना चाहिए। कार्यकर्ता व्यक्ति के पीछे नहीं है, पार्टी के पीछे। मैं उन कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश देना चाहता हूँ जिन्होंने पीठ में छुरा घोपा है, और पीठ में नहीं घोसा, उन्होंने तो पहले ही घोस रखा था।